यहाँ से अगर आप एक लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बास्केट बनाएंगे हर्ष का व्यू आपको थोड़ा लंबा रखना होगा दो से तीन साल का आ, उसमें अगर आप चाहें तो थोड़ी सी एक आध और अच्छी क्वालिटी की एन भी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं वो बास्केट मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको पैसा बना के देगी ये सारे के सारे स्टॉक जो हैं अब मार्केट में एक ऐसी जगह पर आ गए जहाँ पे और कुछ नहीं तो वैल्यूएशन के हिसाब से इससे ज़्यादा नीचे की मंदी नहीं दिखती है मुझे ख़राब मार्केट में सब कुछ गिरेंगे पाँच छः परसेंट हर स्टॉक गिर सकता है लेकिन एक बड़ी रैली बहुत लोगों ने मिस कर दी थी आई बैंक में और एच बैंक में अब ये एफ सेलिंग की वजह से ही आई हो भली उसने आपको एक थोड़ा सा मौका दिया है जिस तरीके से ये स्टॉक वापस नीचे आए और खासतौर से आई सी जिस तक तो जो पुरान परफॉर्मर आया इवन एच डी एफ सी बैंक मैं कहूँगा कोटक एक्सिस थोड़ा सा आपको एक बास्केट अप्रोच रखनी होगी यहाँ पर और व्यू थोड़ा सा लंबा रखना होगा दो ढाई साल का और ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए ये परफॉर्म ना भी करे यह भी पॉसिबिलिटी है जी. लेकिन एटलीस्ट पैसा यहाँ से खोने का रिस्क थोड़ा सा कम है और रेस्ट रिवॉर्ड आपके फेवर में, में मेरे ख्याल से डी एफ सी बैंक पर मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूंगी एक तो आपको याद होगा हम सुबह भी बात यही कर रहे थे कि एच बैंक का वो जब बना था आ, 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 जब वो MSCI वाला होप आया था राइट? हाँ. पर क्योंकि वहां पर अभी भी थोड़ी सी विंडो है क्या वो फिर से होप बनेगा और उस होप में पोजीशन लेंगे या फिर प्योरली जो अब वो ब्रॉडर चेंज हो रहा है उस बेसिस पर रहेंगे ये एमएससीआई वाला कितना प्ले लागू हो सकता है समय सेंटिमेंट में देखिए ये कहा जाता है कि बिजली एक ही जगह पे दो बार नहीं गिरती हाँ। है तो वो मतलब वैसे कई बार हुआ भी का है बहुत खराब हो <laughs> बहुत ही ख़राब लक हो तो ठीक है तो लेकिन वो कहानी खत्म हो चुकी है एमएससीआई वाला फैक्टर ख़त्म हो चुका है वो जो होना था बाइंग व सेलिंग वो सब खत्म हो चुकी है मेरे ख्याल से एच डी एफ सी बैंक में एक जो मुझसे भी थोड़ी सी गलती हुई थी वो जब वो उसमें एक ब्रेकआउट आ रहा था मुझे लग रहा था कि इस बार का ब्रेकआउट जेनविन है अदरवाइज जो मैंने एक व्यू एक महीने पहले लिया था ना कि इसमें 1800 सौ ऊपर की मुझे तेज़ी नहीं दिखती और 1600 सौ साढ़े पंद्रह सौ नीचे की मंदी नहीं दिखती आई थिंक वो व्यू मेरा अभी भी इंटैक्ट रहेगा मेरे ख्याल से अब कुछ और समय के लिए ये स्टॉक इसके साथ इशू क्या होने वाला है हायर लेवल पर एफ़ आ जाएंगे बेचने के लिए लोअर लेवल पर डी आ जाएंगे खरीदने के लिए तो ये आप कुछ टाइम तक इसी रेंज में जूझेगा क्योंकि आई थिंक डी आई इसको साढ़े सोलह सौ के नीचे जाने देंगे वो बाय करेंगे और एफ जैसे ही उनको मौका मिलता है साढ़े सत्रह सौ पर वा फिर वापस सेल करेंगे तो एक रेंज बन जाएगी बेसिकली फिर से जो रेंज रही भी एक्चुअली टू तो बी फेयर पिछले काफ़ी टाइम से स्टॉक में अच्छा इस